बैजनाथ में पहली बार केओस वर्ल्ड स्कूल में विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें बैजनाथ क्षेत्र के विधायक किशोरी लाल तथा एसडीएम डॉक्टर मुरारी लाल ने शिरकत की। विंटर कार्निवल को देखने के लिए काफी भीड़ जुटी रही। इस कार्निवल का मुख्य आकर्षण आर्ट एंड क्राफ्ट, साइंस एग्जीबिशन, गेमिंग जोन, सेल्फी कॉर्नर रहे, जिसमें अभिभावकों तथा बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों के लिए कई प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थी, जिन्हें इनाम के तौर पर किताबें आदि दी गई। बच्चों द्वारा तैयार किए गए सामान को देखकर सभी लोगों ने सराहना की। प्रदर्शनी में छात्रों ने कई रोचक मॉडल तैयार कर सभी को प्रभावित किया। बच्चों के द्वारा किए गए हर कार्य की सराहना की गई। एसडीएम डॉक्टर मुरारी लाल ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए एक बहुत अच्छा व सफल प्रयास है। इस कार्यक्रम में आर्ट एंड क्राफ्ट और साइंस सेक्शन में बच्चों द्वारा बनाया गया सारा सामान बेस्ट मटेरियल द्वारा तैयार किया गया है। निदेशक ऋषभ अवस्थी ने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर पूरे अध्यापक वर्ग, छात्र वर्ग तथा प्रिंसिपल किरण शर्मा को हार्दिक बधाई दी। ने बैजनाथ में पहली बार क्रियोन्स वर्ल्ड स्कूल ने एक विंटर कार्निवल का आयोजन किया, जहां पे हमारे छोटे छोटे बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट वेस्ट मटेरियल से, जिससे टायर्स, एशियन पेंट्स के पुराने डब्बे वेस्ट मटेरियल से काफी क्रिएटिव चीजें बनाई उन्होंने। साइंस मॉडल्स में बच्चों ने कंप्यूटर का बनाया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, बायोगैस बनाई, ये सारे प्लांट्स इन्होंने वर्किंग मॉडल्स भी खुद बनाए। यहाँ पे कुछ हमने गेम्स का भी रखा है, जो पेरेंट्स आए एंजॉय करें। यहाँ पे सेल्फी कॉर्नर हमारे पास है, फूड स्टॉल्स हैं हमारे पास, तो ये इस चीज़ से बच्चों में काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और ये चीज़ें हम लोग भविष्य में भी करते रहेंगे। हर साल एक दो बार हम लोग जरूर करें। धन्यवाद। कार्निवल है जो कि बैजनाथ में पहली बार आयोजित किया गया है क्रियोन्स वर्ल्ड स्कूल द्वारा। ये हमारे एमडी सर हैं मिस्टर ऋषभ अवस्थी, और इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है बच्चों को, पेरेंट्स को। यहाँ आने में आई गेस बहुत ही मजा आया है, और साइंस एग्जीबिशन है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन है, सेल्फी कॉर्नर है मेरे पीछे जहाँ आप लोग सेल्फी ले सकते हैं, साइंस कॉर्नर है जहाँ बच्चों ने बहुत सारे वर्किंग मॉडल बनाए हैं जिनको आप देख सकते हैं। वो अभी बहुत ही छोटे हैं, क्लास 7th के हैं, बट उन्होंने अपने क्षमता से बाहर जाकर अच्छे साइंस के प्रोजेक्ट बनाए हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेक्शन में जो है मृदुला मैम, उन्होंने उन्हें काफी हेल्प किए हैं, जो कि चीजें हम उसको डिस्प्ले करेंगे अभी, वो खरीद भी सकते हैं उस चीज को। बच्चों में बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है, ऐसे प्रोग्राम साल में एक बार तो होना ही चाहिए। साइंस एग्जीबिशन बच्चों ने खुद से बनाए हैं सारे प्रोजेक्ट, जो अभी जैसे कंप्यूटर बनाया है बच्चों ने, वर्कशॉप में बायो गैस बनाई है। ये चीजें हम लोगों के लिए तो बहुत आम है, पर छोटे बच्चे जिन्हें पता नहीं है उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, और उसमें कितने एंथुसियाज्म के साथ उन्होंने बनाया, इतना उत्साह से बनाया इस चीज को। पेंट्स की जो ओल्ड बेस पेंट्स होती है वो ली है, इसे हमने बच्चों से डेकोरेट करवाया है एक हफ्ते के अंदर, और यहाँ पे टाटा सुमो के टायर्स लिए हैं हमने, इनको भी डेकोरेट करवाया है, जिससे हमने चेयर्स बनाई है, सोफा बनाया है, साथ में वो जो बोर्ड आप देख रहे हैं वो एमसील से बनाए गए हैं, जो कि मार्केट में आप लेते हैं तो कम से कम 1000 या उससे अबव मिलता है, बट यहाँ पे हम बच्चों से छोटी छोटी चीज करवा रहे हैं और कम रेट में उन्हें फिर आगे सेल करेंगे। आपने ये टेक्सचर जो है ये पीओपी से बनाया गया है, तो हम यहाँ पे जो भी चीजें बना रहे हैं सब वेस्ट मटेरियल से बनाई जा रही है।